मुझे कबूल है। ओ मैडम, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये सारे लवाजमात तुम्हें यहाँ मिलेंगे, चुपचाप खाओ। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं वो, तो फिर खाओ, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं वो, मैं आती हूँ। फवाद मियां, तो हमारी बात सुनिए। हम देख रहे हैं फवाद मियां कि आपके दिल से बड़ों की इज्जत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। इस दो टके की लड़की ने खूब रंग चढ़ा लिया है आपके ऊपर। छोटे बड़ों की इज्जत तब करते हैं जब बड़े छोटों से शफकत और मोहब्बत से पेश आए। और रही बात किंजा की, तो उसके खिलाफ मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी। तुम उस कल की आई हुई लड़की की वजह से हमसे बहस करोगे? वो कल की आई हुई लड़की नहीं है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। उसने उस वक्त मुझे संभाला जिस वक्त आपने मेरी जिंदगी को अपने फैसलों की भीम चढ़ा दी। बस करो तुम, कान पक गए हमारे ये सुनते सुनते। हमने जो भी फैसला किया ठीक किया, हमें अपने फैसलों पे कोई पछतावे नहीं है। तो आपको भी मुझसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। मत भूलो फवाद मियां कि हम तुम्हारे बाप हैं, घर हमारा है, हम जब चाहे इस लड़की को निकाल सकते हैं इस घर से। आप शायद भूल रहे हैं कि इस घर की प्रॉपर्टी और बिजनेस में मेरे शेयर्स हैं, इसलिए आप किंजा को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। फवाद मियां, हम अपने घर में बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरिया, मुझे मेरा बच्चा दे दे। चुप करो, आज के बाद ये बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझी तुम? इमराना, लेके जाओ इसे अपने साथ और अपने सर्वर क्वार्टर में रखो। अगर ये चुप ना करे ना, तो गला घोट के मार देना इसको, समझी? अब खड़ी क्या हो तो वो? मेरा बच्चा जरिया, मेरा ज्यादा शोर किया ना तुमने, तो इधर ही जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। क्या सोचा था तुमने, हाँ, कि बच जाओगी तुम? जरिया अहमद के पंजे से बच जाओगी। अब तुम इसी कमरे में बंद रहोगी और तरसोगी अपनी बच्चे की शक्ल देखने को। दरवाजा खोलें प्लीज, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। कोई है मेरा बच्चा? रायान, कोई है? मुझे मेरे बच्चे के पास जाने खोलो। गुफरान, वाह, तेरी पसंद तो बड़ी आला है यार। गुफरान, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये मेरा दोस्त है खुर्रम, इसी ने तो हमारे रहने का इंतजाम किया है। हम यहाँ रहेंगे? पागल हो क्या, हम तो यहाँ खुर्रम से मिलने के लिए आए हैं। खुर्रम आज हमारे रहने का इंतजाम कर देगा और कल हम निकाह कर लेंगे, क्यों खुर्रम? हाँ हाँ, ओ आई एम सॉरी भाभी, आप जुने बेफिक्र होकर यहाँ रहे। अरे मैं आपका यहाँ रहने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अरे भाभी,
सुबह आप दोनों का निकाह हो जाएगा, निकाह मैं करवाऊंगा और गवाह भी तो हम होंगे। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आराम के साथ यहाँ रहिए। उफरान तुम यहाँ अब आराम से बैठो, मैं और खुर्रम यूं गए और यूं आए, ठीक है? मगर गुफरान, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो बस सुकून से बैठो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं और खुर्रम जा रहे हैं रहने का बंदोबस्त करने, हम यूं गए और यूं आए। अरे हाँ भाभी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? अरे आपका अपना घर है, अपना ही घर समझे इसे। बस हम थोड़ी देर में जाते हैं और आपका रहने का बंदोबस्त करते हैं। सुबह निकाह भी तो है आपका। अरे आप घबराए नहीं, आप भाभी यहाँ बैठे 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 बैठे। शकुर भाई, भाभी का अच्छे से ख्याल रखना, चाय पानी जो कुछ भी चाहिए हो ना दे देना इसको। बेफिक्र हो जाए, आप आराम से जाए। आओ फ्रान, चल। भाभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये शकुर है ना आपकी खिदमत करने के लिए। शकुर आओ। ठंडा पिएंगी या गरम? पानी। गुड ऑप्शन। क्या सोचा था तुमने हा? ये बच जाओगी तुम, सरिया अहमद के पंजे से बच जाओगी। अब तुम इसी कमरे में बंद रहोगी और तरसोगी अपनी बच्चे की शक्ल देखने को। अगर ये चुप ना करे ना तो गला घोट के मार देना इसको। हद हो गई। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों? अरे आपके साहबजादे ने हदे पार कर दी है तमाम बदतमीजी की। उस दो टके की लड़की के लिए अपने बाप से लड़ रहे हैं वो। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर बाद में बात करते। अरे कोई नहीं पीने हमने पानी, बस बहुत हो गया, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकालिए इस लड़की को इस घर से। लेकिन हाशिम, वो बेचारी यहाँ अकेली है, कहाँ जाएगी वो? हमें क्या पता कहाँ जाएगी, बाहर में जाए। अरे जवान लड़की को इसके माँ बाप लगकर ऐसे भूल गए जैसे आराम की औलाद हो। ऐसी बात नहीं है हाशिम, उस लड़की को देख के तो यूं लगता है कि उसके वालिदैन बहुत सुलझे और शरीफ लोग हैं। जी हाँ, बहुत शरीफ है, बहुत शराफत दिखाई दे रही है साहबजादी में। लेकिन आप इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? नहीं, बेतरफदारी तो नहीं, बस अरे बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ हेलो हाशिम साहब, आपको एक खुशखबरी देनी है, महरीन अब मेरे कब्जे में। अच्छा, ये तो बहुत बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। बस देख ले, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी। फिक्र ना करो, हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, लेकिन याद रहे अब महरीन कभी भी अपने घर ना जाए। आप फिक्र मत करें। आप तो मेरे इतने करीब क्यों बैठे हुए हैं, दूर हटे मुझसे। डरो नहीं, यहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। मैंने कहा दूर हटो मुझसे। उसका इतना नाटक क्यों कर रही है, चला मेरे पास। देखो मुझे जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा चिल्लाएगी,
चिल्ला। अरे क्या हुआ, खामोशी हो गई है, चिल्ला कर दिखा, हम भी तो सुने, कौन सुनता है तेरी आवाज। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा है, जितना भी चिल्लाएगी कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। पास बताना मेरे, दूर हट जाने का, जान ले लूंगी तुम दोनों की। हमें मारेगी तू, चल मार, मार के दिखा। ओ तो पकड़ इसको, भाग गई। जिस तरह आप मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी परवाह करते हैं, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें कैसा लगा। क्या है फवाद, ठीक हो? तुम कैसी हो जाना? सोई? हाँ, बहुत मुश्किल से सोई, नींद की टैबलेट खा के सोई। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक परेशानी जाती नहीं है कि दूसरी गली को आ जाती है। लेकिन आप परेशान ना, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। कैसे परेशान ना हो, एक तरफ मम्मी की ये हालत है, सिर्फ मेरी पता नहीं किधर होगी, किस हाल में होगी। तो आप मामू जान से बात करें ना। मामू जान से अच्छे तरीके से जानती हो कि ताजान की कही हुई बात से वो कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे, बस जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। जानती हूँ, लेकिन आखिरी बार कोशिश तो करके देख ले। आखिरी बार मतलब? अगर इस बार भी वो ना माने तो फिर आप खुद दरिया भाई से बात करें, महीन बाजी को वापस ले। मुझे किंजा के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहिए था। क्या क्या बोल गया हम, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं पापा, बस उलझन में फंसा हुआ था, समझ नहीं आ रही क्या करूं। मुझे बताओ क्या बात है आखिर। किंजा के बारे में सोच रहा था, उसके सामने बहुत शर्मिंदा फील करता हूँ, सीधी तरह उसकी आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकता। मैं यहाँ पे सीरियस बात कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रही हैं। मैं यह देख के मुस्कुरा रही हूँ कि तुम्हें उसकी कितनी परवाह है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो। जी पापा, बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी। अच्छा, तो किंजा तुम्हारी अच्छी दोस्त है या? जी बहुत अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। सोचने की जरूरत मुझे नहीं है बेटा, तुम्हें है। किंजा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम भी उसकी परवाह करते हो, तो बेटा फिर अपने आप को आजाद कर दो। किंजा जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को खोकर तुम खुश नहीं रहोगे। पता नहीं कहाँ मर गई है, ज्यादा दूर नहीं भागी होगी, यहीं कहीं होगी। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, जा कहाँ सकती है, होगी यहीं कहीं। एक काम करते हैं, सामने वाली गली में जाके देखते हैं।
यह हालत देखकर आपको तरस नहीं आता? इतने बेहस हो गए। देखो हमजा, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, बेहतर है कि हम बाद में बात करें। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ और अभी बात करना चाहता हूँ। बहुत हो गया तमाशा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस तमाशे की बात कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम सबका? बहन का घर बस जाए इस बात की फिक्र नहीं है तुम्हें? इसे आप घर बसाना कहते हैं? वो शख्स जिसने सिवाय दुख और तकलीफ की उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ तकलीफ और डर दिया है, वो उसे खुश रखे। भूले आप? कोई भूल नहीं है। ये लोग आखिर समझना क्यों नहीं चाहते? हम लोगों को महरीन की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो जैसा भी है, जो भी है, जरियाब महरीन का शौहर है, और अब बाकी जिंदगी महरीन को उसी के साथ गुजारनी है। क्यों मामू जी? जब एक मर्द बुरी औरत के साथ घर बसाने का पाबंद नहीं है तो एक औरत पे ये बंदिश क्यों है कि उसको जबरदस्ती बुरे मर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है? जवाब दीजिए, क्यों खामोश हैं? मर्दों और औरतों का कोई मुकाबला नहीं। बेहतर होगा कि तुम इस बात का रुख किसी और तरफ मत लेके जाओ। मुझे आपसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी मामू जान। कम से कम मैं आपको उन मुआशरे के मर्दों में से नहीं समझती थी जो छोटी सोच रखती। मैं ऐसा नहीं हुआ था। मैं कल ही जाकर जरियाब के पास से मेहरीन को वापस लेकर आऊंगा। खबरदार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझ गए? मासूम से बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? सोई नहीं तो जागी भी अभी तो? बस नींद नहीं आ रही, तो सोचा यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? तुम कैसे कर लेती हो ये सब? क्या कर लेती हूँ मैं? यही, मैं गम को अपनी हंसी के पीछे छुपाए रखती हूँ। बहुत बहादुर हो तुम। ऐसा करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझते हो। समझा नहीं मैं। फवाद, ये जिंदगी हमें खुदा की दी हुई है और इस जिंदगी में भी हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो भी उसी की मर्जी से होता है। अगर ये बात हम समझ जाए तो अपने गम भुलाकर मुस्कुराना बहुत आसान हो जाता है। को चकमा देकर बाजी।